आज मेरे पास है पैनासोनिक का AG-SE 90 कैमरा। फ्रेंड्स, इस कैमरे का आज मैं आपको फुल रिव्यू देने वाला हूं कि जो यहां पर ये कैमरा है ये कैसा है और इसमें क्या क्या फंक्शन दिए हुए हैं, इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। और जो इसमें इतने सारे बटन दिए हुए हैं वह क्या काम आते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको ये तीन रिंग्स देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो ये वाली रिंग है ये फोकस की रिंग है, इससे आप फोकस एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो रिंग आती है ये वाली, ये जूम की आती है, इससे आप अपनी वीडियो में जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इसके बाद जो ये वाली रिंग आती है बिल्कुल छोटी वाली, ये एरिस की रिंग है, जिसमें हम डीबी को घटा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3MOS फुल HD कैमरा लिखा हुआ है और OIS इसमें मतलब स्टेबलाइजेशन इस कैमरे में काफ़ी अच्छा है वह लिखा हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पर आगे आएंगे तो यहाँ पर पैनासोनिक लिखा हुआ है और इधर आप यहाँ पर देख सकते हैं AVC HD लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये जो पैनल दिया हुआ है इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरिस का बटन दिया हुआ है, जब आप ऑटो में करते हैं तो ये एरिस लॉक हो जाता है, जब ऑटो से वापस मैनुअल करते हैं हम एक बार दबाएंगे तो अपना एरिस की जो रिंग है वो लॉक से अनलॉक हो जाती है। इसके बाद ये जो नेक्स्ट बटन आता है वह फोकस AM का आ जाता है, जब कोई भी चीज फोकस नहीं करती है तो इसको दबा के फोकस में ले सकते हैं। इसके बाद OIS का बटन आ जाता है, इसको आपको हमेशा ऑन करके रखना है, इसका मतलब होता है स्टेबलाइजेशन के लिए काम आता है। जब आपकी वीडियो में स्टेबलाइजेशन अच्छा रहेगा तो वीडियो काफी अच्छी बेहतर रहेगी, ज्यादा हिलेगी डुलेगी नहीं। इसके बाद आ जाता है वाइट बैलेंस का बटन, यहाँ पर आप वाइट बैलेंस सेट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है फोकस असिस्टेंट का बटन, इससे फोकस का असिस्टेंट आप कर सकते हैं, फोकस देख सकते हैं कि किस किस जगह पर आपका फोकस प्रॉपर है। इसके बाद आ जाता है जेब्रा, जेब्रे का जो बटन है इसका काम है जब आप बाहर लाइटिंग में शूट करेंगे और आपके कैमरे पे अगर ज्यादा लाइट पड़ रही है तो इसको जैसे आप ऑन करेंगे तो जहां जहां पर ज्यादा लाइटिंग रहेगी वहां पर जेब्रा लाइन आ जाएगी। इसके बाद आता है बार्स, बार्स का आप देख ही सकते हैं, कहीं भी अगर आपको कार्ड एक्सचेंज करना हो, एक ही कार्ड में डबल डेटा रिकॉर्ड करना हो तो उसका पता लगाने के लिए आप बीच में बार्स दे सकते हैं। इसका बाद आ जाता है मेन्यू का बटन और इसके बाद आ जाए डिस्प्ले मोड चेक, जो डिस्प्ले पे सारे ऑप्शंस आते हैं उनको चाहे तो आप इसे दबा के बंद कर सकते हैं, वापस इसे दबा के चालू कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है काउंटर रीसेट, यहाँ पर जो TC टाइमर आता है उसमें US टाइमर भी आता है, यूसी टाइम को आप यहां से रीसेट कर सकते हैं और चाहे तो आप अंदर से भी रीसेट कर सकते हैं। ये दोनों चीजें मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है, तो आप चैनल पर जाकर, काफी सारी वीडियो है इसके बारे में, आप इन्हें जाकर वॉच कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है ऑडियो कंट्रोल पैनल, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, इसका वीडियो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसमें आपको यही सेटिंग अभी रखनी है और जब आप ऑडियो केबल के जरिए रिकॉर्ड करें तो क्या सेटिंग रखनी है, इसका अलग से सेपरेट वीडियो है। तो और यहाँ से आप ओएस को अप डाउन कर सकते हैं, ये दो बटन यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको User 1, User 2, User 3 मिल जाता है। यहाँ पर आप जंप सेटिंग लगा सकते हैं, जैसे User 1 का बटन, User 2 का बटन, User 3 का कोई सा भी बटन अपन प्रेस करेंगे और इस पर जो सेटिंग अपन सेट करेंगे वह डायरेक्ट जंप होकर उस सेटिंग पर अपना कैमरा चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है ऑटो और मैनुअल, इस कैमरे को आप ऑटो और मैनुअल यहाँ से चेंज कर सकते हैं और यहाँ से क्विक स्टार्ट ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद हम पीछे आएंगे तो यहाँ पर आपको स्लॉट मिल जाएगा, यहाँ पर आप अपने कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर से लॉक खुलेगा और यहाँ पर ये आपके दोनों SD कार्ड लग जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एक ये बटन पुश का दिया हुआ है, इसको दबा के आप इस बैटरी को बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक बटन दिया गया है रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग चेक का, जब आप कोई भी डेटा रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी जैसे आपको वीडियो देखनी है तो इस चीज को यहाँ पर जैसे आप ये ऊपर है तो ये रिकॉर्डिंग मोड पे, अब इसको आप नीचे करेंगे तो आप वहां पर अपना डेटा जो फाइल है वह डिस्प्ले पे आ जाएगी, डिस्प्ले पे आने के बाद आप उनको बाद में चेक कर सकते हैं, इसको देखा जाए तो आप रिकॉर्डिंग चेक का बटन बोल सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर एक स्लॉट दिया हुआ है, इसको जैसे हम ओपन करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक HDMI पोर्ट दिया हुआ है और दूसरा पोर्ट यहाँ है USB 2.0 और एक यहाँ है AV मल्टी। यहाँ पर ये तीन पोर्ट दिए हुए हैं जिसे आप यूज कर सकते हैं। और इसको हम जैसे यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं DC इन 12.0 वोल्ट की बैटरी इसमें आप अटैच करके चला सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये वीफाइंडर का बटन है, इसे आप वीफाइंडर को एडजस्ट कर सकते हैं और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख के आप अपनी वीडियो को जैसे दिन में शूट कर रहे हैं डिस्प्ले पे अगर आपको ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा है तो आप वीफाइंडर के जरिए यहाँ देख सकते हैं और इस बटन के जरिए उसे सेट कर सकते हैं वीफाइंडर को। इसके बाद हम चलते हैं दूसरी साइड, तो यहाँ पर जैसे इसको हम खोलेंगे कैप को, यहाँ पर मैं सारी कैप एक साथ खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक हेडफोन का चिन्ह मिल जाता है, यहाँ पर आप जब भी ऑडियो सुनना चाहें इसमें कौन सी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, किस तरह की ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो यहाँ पर हेडफोन लगा के उसे सुन सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शंस और दिए हैं, एक तो रिमोट का दिया हुआ है, आप कैमरा रिमोट लगा सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर जूम का बटन दिया हुआ है, जब भी ये कैमरा क्रेन वगैरह पे लगाना होता है तो ये चीज़ें वहाँ पर काम आती है और ये ऑडियो के लिए काम में आती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है। इसके बाद आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर ये जूम इन और जूम आउट का बटन दिया हुआ है, जब आप यहाँ से रिकॉर्डिंग प्ले फुस करेंगे तो यहाँ पर जूम इन जूम आउट इस बटन के जरिए आप कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको कहीं पर भी पिक्चर कैप्चर करनी है, फोटो कैप्चर करनी है, तो इस बटन को दबा के आप फोटो कैप्चर भी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम ऊपर आ जाते हैं, ऊपर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर आपको एक बटन रिकॉर्डिंग पुश और ऑन का यहाँ पर मिल जाता है और दूसरा जूम इन जूम आउट का मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको दो इनपुट मिल जाएंगे, इनपुट वन ऑडियो, इनपुट टू। इसमें आप ऑडियो जब भी रिकॉर्ड करें तो इसमें आप XLR माइक लगा सकते हैं, XLR माइक के जरिए आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर भी एक ऑडियो पैनल दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आप इस तरह से ऑडियो पैनल पर आएंगे तो यहाँ पर भी सेटिंग कर सकते हैं इसकी और दूसरे वाले ऑडियो पैनल की, दोनों की सेटिंग मैंने बता रखी है, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक अच्छी सी डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी और बड़ी डिस्प्ले है। यहाँ पर इस डिस्प्ले में आप डेटा जो भी अपना कैमरा रिकॉर्ड करेगा वह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद जैसे हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर आप आगे देखेंगे तो आगे आपको एक कैप मिल जाएगी जो आपके लेंस के आगे लगी रहती है, और इसमें एक लेंस ये है जो 12x ऑप्टिकल जूम का लेंस है 49mm का। जो ये लेंस है इसका फोकस लेंथ है 2.84 से 3.4 तक और 1mm का सेंसर लेंस इसमें लगा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह का ब्रांड न्यू कैमरा ये आता है और काफ़ी अच्छा कैमरा है, और इस कैमरे के जरिए आप फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और ऑडियो भी अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसको आप ले सकते हैं, कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा और अच्छा ठीक ठाक कैमरा है, लेकिन अभी के हिसाब से अगर आप देखें तो एवरेज कैमरा है, मैं ज़्यादा बेस्ट भी नहीं कह सकता और ज़्यादा ये भी नहीं, एवरेज कैमरा है, आप इस कैमरे को परचेज कर सकते हैं। तो इतना ही था इस कैमरे में जो मैंने आपको बता दिया है, बाकी अगर आपको और कुछ जानना है तो चैनल पर इस कैमरे की मेरी 8 से 10 वीडियो पड़ी हुई है, इसकी हर सेटिंग, हर फंक्शन, हर चीज़ कैसे क्या काम करती है, कैसी वीडियो आती है, हर चीज़ मैंने डिटेल से 8-10 वीडियो बनाए हुए हैं, उनको जाके आप वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।